के आर के पुरम में पहुंची दिल्ली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी। जी हां, बता दें कि मीनाक्षी लेखी यहां एक पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस कार्यक्रम में मीनाक्षी लेखी के आने से चार चांद लग गए। स्थानीय लोगों ने भी जमकर उनका स्वागत किया। ये कार्यक्रम यहां के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। कोरोना काल की वजह से जो भी प्रकृति के कार्य नहीं हुए थे और उन्हीं का उद्घाटन करने के लिए यहां पर मीनाक्षी लेखी जी को आमंत्रित किया गया। बता दें कि पहले भी ऐसे प्रकृति के कार्य व विकास कार्य एक ही जगह किए गए हैं। मैं जितेंद्र भारद्वाज, एरिया वेलफेयर ऑफिसर, सेक्टर 5, सेक्टर 9, आरकेपुर। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये हमारे पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी के सौजन्य से था। कोरोना काल के कारण जो भी प्रगति के कार्य हुए थे, चूंकि उनके उद्घाटन नहीं हो पाए थे, इसलिए माननीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी को आज आमंत्रित किया गया था। क्योंकि आरकेपुरम में जितने भी प्रगति के कार्य किए गए हैं, विकास कार्य हुए हैं, उन सबको एक ही जगह पर, अभी भी जैसे कोरोना का संकट अभी दूर नहीं हुआ है, वैक्सीन जरूर शुरू हुई है लेकिन अभी टाइम लगेगा, तो आज उनका सबका एक साथ उद्घाटन किया गया था। तो इसके लिए मैं पूरे आरकेपुरम जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से माननीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी का, अपने बड़े भाई पूर्व विधायक माननीय अनिल शर्मा जी का, और जो हमारे क्षेत्रीय पार्षद हैं और स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी जी का अभिनंदन करता हूं। और जितने भी RW हैं वो सब लोग बड़ी संख्या में आए, और निश्चित रूप से हमारी जो अभिलाषाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, क्योंकि सरकारी कॉलोनी है, तो प्रगति के लिए हम अपने सांसद और जो बाकी हमारे क्षेत्रीय लोग हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं। तो आशा करते हैं कि वो जो रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने दिया है उसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे और सिंपैथेटिकली उसको कंसिडर करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा योगदान हमें प्रोवाइड करेंगे। आरकेपुरम की सेक्रेटरी सुनील से जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है और कैसा कार्यक्रम रहा है, क्या इसकी सफलताएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे मैम से। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी को आज यहाँ एक जिम, ओपन जिम उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। और हमारे सेक्टर का विकास CPWD, MCD और बाकी डिपार्टमेंट जैसे सरकारी कॉलोनी है उस हिसाब से हो रहा है, लेकिन कुछ जगह थोड़ा सा काम कम है, जिसके लिए हम सांसद साहिबा से लगातार टच में रहते हैं और अपने क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं, जो विधायक हैं, उनसे कह के आगे काम कराते हैं। और आज भी हमने विकास के कार्यों पे ही नाक्षी लेखी जी को यहाँ बुलाया था, ओपन जिम का, कैनोपी का, एक शौचालय का, जो ये पार्क है हमारा आरकेपुरम का, कहा था ऐसी पार्क है, ये पार्क में एक भी शौचालय नहीं है। तो आज हमारा एक ये भी था कि भाई हमारे यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, लेडीज हैं, उनके लिए एक कम से कम एक टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो आसपास भी वो किसी के घर में ही जाएंगे, इसलिए हम चाहते थे कि एक टॉयलेट की व्यवस्था और हो। तो दीदी ने, जैसे हमारी मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि ठीक है, वो एक टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे लगता है आपको कि मतलब उम्मीद तो जैसे उन्होंने अभी हमने हाल फिलहाल ही 10-1 दिन हुए होंगे जब हमने ओपन जिम का उनके सामने सजेशन रखा कि भाई जो झूले हैं या पुराने जिम है वो उसकी मशीनें टूट गई हैं, खराब हो गई हैं, बच्चे गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, इस तरह की कई घटनाएं थी। तो उनको कहा कि भाई आप नया लगा दें, तो विद इन 10 डेज उन्होंने डिसीजन इमिजिएटली ले लिया और आज उन्होंने उसका उद्घाटन यहाँ पे किया। तो जैसे शौचालय के, हाँ, कि शौचालय का भी हमें लगता है कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि जैसा मीनाक्षी जी का व्यवहार है और जैसे वो कार्य करती हैं, उनके कार्य करने का तरीका है कि वो इमिडिएटली डिसीजन लेती हैं। आरकेपुरम में तो है सेक्टर 5 के अलावा, तो जैसे सेक्टर 9 है, 12 में वहाँ दिक्कत थी, पार्क के अंदर भारी बच्चे जो आगे बैठते थे उसका भी इन्होंने बहुत जल्दी निपटारा कर दिया है। काउंसलर जी ने और MP जी ने मिलकर उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया, जो भारी तत्व आते थे पार्क के अंदर वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल। अब भारी तत्व वहाँ आगे ना बैठते हैं, न भारी बच्चे आगे बैठते हैं, और बिल्कुल अब क्या अलॉटियों के लिए ही वो पार्क सेव है, फैमिली भी आगे घूम सकती है। वहाँ पहले बहुत दिक्कत थी, फैमिली आगे नहीं घूम सकती थी, सेक्टर 9 के पास में भारी तत्व बहुत ज्यादा बैठे रहते थे, ठीक है, नशे वाले बैठते थे और अदर्स जो एक्टिविटीज करने वाले बच्चे बैठते थे। सेक्टर 5 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एक्टिविटीज ऐसी भारतीय कहूँ, सेक्टर 5 हमारा काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि अंजलि मैडम हमारी सेक्रेटरी है, जैसे मैं प्रेजिडेंट हूँ, हमारी पूरी टीम का सहयोग बहुत ज़्यादा मतलब इसमें, और MLA हमारे जो मैडम है सुश्री मैडम,
हमारे उनका भी काफी निगम पार्षद, हमारे विधायक, हमारी सांसद जी, हमारे लोकप्रिय नेता हैं हमारे अनिल शर्मा जी, और अनिल शर्मा जी हमारे पूर्व विधायक भी हैं और एक तरीके से समाज सेवक भी हैं जो सारा काम देखते हैं। कोई भी काम हमें अभी भी कोई भी काम उनको बोला जाए वो दिन रात हमारे लिए तैयार रहते हैं। हमें मतलब अनिल शर्मा जी का हम सच कहें, मीनाक्षी लेखी जी, अनिल शर्मा जी, तुलसी जी, इन सबका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था हमारी लोकप्रिय सांसद मीनाक्षी लेखी जी, उनके कुछ फंड से कुछ काम होने थे। RW लगातार प्रयास करती है, खासकर जैसे मैंने मंच पर से भी कहा था, जिस इलाके में फंक्शन है सेक्टर 5, यहाँ की एसोसिएशन जो सुरेंद्र मोहन जी और सेक्रेटरी जो अंजलि बहन जी हैं, ये लगातार बहुत मेहनत करते हैं। इनका खुद का प्रयास प्लस हमारी सांसद मीनाक्षी दीदी का प्रयास, तो यहाँ काफी काम हुए हैं। उनका उद्घाटन करने सांसद जी खुद आई थी, हमने उसी का साथ सोचते हुए फायदा उठाते हुए जितनी हमारे RK पुरम की RWs हैं आज उन सबको बुलाया, सबसे रिक्वेस्ट करी। हमें बड़ी खुशी है कि मैक्सिमम RWs यहाँ पर आई, एरिया वेलफेयर ऑफिसर भी आए और उन्होंने यहाँ पर सबके साथ चाय पानी नाश्ता किया और एक अच्छा खुशनुमा माहौल रहा, क्योंकि अभी लोहड़ी गई है, मकर संक्रांति गई है, पोंगल है, ये सारे त्यौहार अभी पिछले 2-4 दिन में गए हैं, तो उसी से कनेक्टेड नया साल का फंक्शन दीदी ने, मीनाक्षी दीदी ने ये सोचा कि सबके साथ मनाया जाए, तो उसी को सोचते हुए ये कार्यक्रम रखा था। और आप सबके आने से, खासकर RWs के आने से, इस कार्यक्रम की बहुत शोभा बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।